हेलो वेलकम गाइस, आज हम अपने अजीज़ दोस्त के पास आए हैं, जाज साहब के पास। ठीक है, इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का परिंदों का सेटअप है सारा। इन्होंने तोते भी रखे हुए हैं, पैरट्स और कबूतर भी रखे हुए हैं, मुर्गियां भी रखी हुई हैं, सब कुछ इन्होंने रखा हुआ है। वो हम अब इन आपको सारा जो है वो दिखाएंगे, इनका सारा सेटअप। चलिए इनसे फिर कुछ डिटेल ले लेते हैं अपने सेटअप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, ये शफीक साहब आज मेरे फार्म पे आए हुए हैं माशाल्लाह जी। ये मैंने जो अपना सेटअप बनाया हुआ है, इसमें काठे के कुछ जोड़े हैं, बजरी है, पिसर है, लोटीनो है, हाँ जी वायर डिवाइस में भी हैं कुछ पेड़ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको ये दिखाते हैं, हाँ ये बजरी है, इसमें पाइट बजरी लड़ाई सब मिक्स भी हुए मैंने, माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं ये। इसके अलावा ये फिशर हैं, ये फिशर देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये भी ड्राई हुए माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी ब्रीड दे रहे हैं मुझे। और मुझे कुछ शौक भी है, अल्लाह ताला की ग्रोथी का सिलसिला भी बनाया हुआ है माशाल्लाह। ये वाइल्ड लड़ाई में है माशाल्लाह, ये सारी मादी, काफ़ी सारी मादी इनकी जो है वो अंडे पे आई हुई हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे जो रहे हैं ये। हाँ जी, और ये कुछ इनके बच्चे भी आपको दिखाते हैं, रिक्शा भी करा देंगे, देखें माशाल्लाह ये सामने इनके बच्चे हैं, ये देखिए बड़ी आई हुई। कुछ दोस्त को कुछ मैंने पार्क में भिजवा दिए हैं, दोस्त ले गए हैं, बाकी 5 की जोड़ी मेरे पास रखी हूँ इस वक्त। हाँ जी माशाल्लाह से। तो जा साहब, ये इस बर्ड का क्या नाम है और इसकी नस्ल का क्या नाम है? ये जी काठा है जी माशाल्लाह, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, इस साल का? हाँ जी, ये मैंने 8 पेयर लगाए हुए हैं, दुआ करें अल्लाह ताला इसमें से मुझे रोजी दे। हाँ बस अब सीजन शुरू हो गया माशाल्लाह, जोड़े जोड़े माशाल्लाह मांग रहे हैं, काट भी कर रहे हैं आपस में। अच्छा, हाँ जी, तो ये जो गानी है जिनके लिए ये नर होता है। अच्छा, गानी को बजा रहे हैं, ये नर हो गया, ये नर हो गया जी। ये माशाल्लाह ये जो नर बैठा है आपके साथ, ये बोलने वाला भी है, ये हाँ जी सिटी वगैरह भी जाता है, मियां मिठू भी कहता है। अच्छा, हाँ जी, बाकी 8 जोड़े तो इनकी प्राइस क्या, बड़े जोड़े की प्राइस क्या है? बस बड़े जोड़े की प्राइस जो है ना, ब्रीडर जोड़े हैं, तकरीबन 8,000 से 10,000, 11,000-12,000 तक जाता है ये। और जो इनके बच्चे सेल्फ बच्चे? हाँ सेल्फ बच्चे होते हैं, 2,000-2,500 का सेल्फ बच्चा मिल जाता है। और इनकी एज कितनी होती है? एज तकरीबन 4-5 साल तक इनकी एज चली जाती है माशाल्लाह। जिनकी गानी है वो मतलब नर है? हाँ जी वो मेल है। और जो बगैर, हाँ जी वो फीमेल, जो मतलब गर्दन के जो है गोल के गुलाई में काला कलर का निशान है वो गानी कहते हैं, वो फीमेल है। चलो अच्छा जहाँ साहब, ये कौन सी नस्ल है? ये जी वाइट रेडाइज अल्बिनो भी कहते हैं इसको, वाइट रेडाइज में लेते हैं। और अच्छा, ये तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 11 जोड़े हैं। अच्छा, ये मैंने तकरीबन महीने या 1.5 महीने पहले किसी दोस्त से ये कॉलोनी की कॉलोनी ली है। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनके ना वो आ रहे हैं, अंडे आ रहे हैं इनमें। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड आएगी। तो ये भी कॉस्टली है सुना है माशाल्लाह, ये कलर नया नहीं मिलता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन 700-800 हज़ार तक का प्यार इनका चला जाता है माशाल्लाह। अच्छा, इनके बच्चे भी मतलब एक टाइम में 5-6 अंडे देते हैं? बिल्कुल जी, 5-6 अंडे तो माशाल्लाह आराम से देंगे। बहुत अच्छी जो है ना इनका ब्लड लाइन जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है जाय साहब? ये जी फिशर होगा जी। अच्छा, ये फिशर है, इसकी प्राइस क्या जोड़ेगी, बड़ा जोड़ेगी? माशाल्लाह वैसे तो रूटीन में 1400-1500 का चला था, आजकल वैसे तो माशाल्लाह रेट अच्छे हैं इनके। हाँ आजकल मैंने सुना महंगा हुआ, 2000-2500 माशाल्लाह। इसमें एक जोड़ा मैंने चलो डीनो का थोड़ा हुआ है, बाकी 9-10 जोड़े हैं इसके फिशर के। ये बजरी हो गया, इसमें पाइट रेड आइज, वाइट रेड आइज में, येलो रेड आइज में है, पाइट है, बजरी सादा भी है माशाल्लाह, ये सारे मिक्स हैं। ये बड़ी अच्छी प्यारी कलोनी है मेरी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी ब्रीड जा रही है माशाल्लाह। इसके अलावा तकरीबन 3rd या 4th क्लास आ रहा है, लेकिन ये भी बजरी के पेड़ हैं, ठीक है, सारे लगे हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। अंडे सब ने दिए हुए हैं, ठीक है, बच्चे भी सब ने आए हुए हैं, काफ़ी हद तक अंडे पड़े हैं देखें। गाइस आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह बजरी की पूरी कॉलोनी बनी हुई है यहाँ पर,
और ये फिशर की पूंछ नहीं मिल रही। इसमें जो येलो कलर का जो एक बैठा है इसे लटीनो कहते हैं, ठीक है। और ये देखो दूसरा पीस से बनाया लटीनो का, देखो ये जो है अपना ये असील का है मुर्गा, मुर्गा असील असल का है। ये तीन मुर्गियां इसके साथ देसी हैं। अच्छा, हाँ माशाल्लाह ये अंडे दे रहे हैं। इनके अंदर मैंने वो हेचरी रखी हुई है, तो हेच करने के लिए अंडे जो मैंने रख दिए हैं 5-7 दिन हो गए। देखें जी, वो भी मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। हाँ, ये मैंने अंडे रखे थे मुर्गी के नीचे, माशाल्लाह ये उसमें से ब्रीड आई थी, 12-13 पीस थे। एक दो मिल्ली का गई है, एक वो मुर्गे के साथ लड़ाई हुई है, और ये लड़ाई असील है। इसमें 3-4 पीस ये असील है, ये देख रहे हैं माशाल्लाह। बाकी देसी भी हैं, मिक्स हैं ये। मतलब आपने तोते भी रखे हुए हैं, मुर्गियां भी रखी हुई हैं ना, और कबूतर भी आपने रखे हुए हैं ना। चले आए कबूतर की तरफ, चलते हैं आपको कबूतर का सेटअप भी दिखा। हाँ जी, ये लक्के के कुछ मुझे शौक था, एक दोस्त है उसने मुझे लाल का जोड़ा दिया। उसमें वो देखे वो मादी बैठी हुई अंडों के ऊपर, ये लक्कों में से बुरी माशाल्लाह। मतलब आपने तोते भी रखे हुए हैं, कबूतर भी सारे रखे हुए हैं, ठीक है, बस शौक। और चिकन वगैरह मतलब मुर्गियां भी रखी हुई हैं, सारा सारा शौक आपने किया माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त काम हुआ है सारा, बेहतरीन।